हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू एफए विद लव। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम सीडीएस की इंग्लिश पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो कौन सी सेक्शन पहले करनी चाहिए, ग्रामर, वोकेबलरी या फिर रीडिंग वाली सेक्शन पहले करें, कितना टाइम डिवोट करें हर सेक्शन में ताकि हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए, और ओएमआर का क्या करना है, ओएमआर को साथ साथ भरना है या फिर लास्ट के लिए छोड़ देना है। तो वो सारी चीजों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही छोटी होगी तो आप वीडियो में बने रहे एंड वीडियो को लाइक कर दे वीडियो स्टार्ट होने से पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, सबसे पहले आपकी ग्रामर सेक्शन आती है। अब देखिए ग्रामर सेक्शन में पूछा क्या जाता है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्रामर सेक्शन में देखो, आपको सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है, एंड स्पॉटिंग द एरर पूछा जाता है, फिर आप देखो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है, सेंटेंस कंप्लीशन और फिल इन द ब्लैंक्स। तो ऐसे टाइप की चीजें आपको आती है और कभी कभी चेंज होती रहती है। देखो ग्रामर में ये चीजें आ गई। अब देखो ग्रामर में क्वेश्चंस कितने आते हैं, ग्रामर में आप देखो तो 50 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक, 50 क्वेश्चंस आ गए। अब आपको करना ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और स्पॉटिंग द एरर, तो ये जो दो चीजें हैं इनको कंप्लीट करने के लिए आपको 10 मिनट डिवोट करना है, ओनली 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। एंड फिल इन द ब्लैंक्स देखो, ये जो आती है ये आती है ग्रामर बेस्ड, तो ये आपकी आती है ग्रामर बेस्ड। इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट्स डिवोट करना है, ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चंस है। अब देखो यहाँ पे आपको देखो फिल इन द ब्लैंक्स हो गई, अब सेंटेंस कंप्लीशन हो गई, सेंटेंस कंप्लीशन में आप ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट दे दो, और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स होती है आपकी प्रीपोजिशंस और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो जाती है, तो प्रीपोजिशन आर्टिकल वाली होती है, यहाँ पे देखोगे तो आप 4 मिनट्स दे सकते हो, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज 25 मिनट्स हो रहा है, मैं आपको पकड़ के चलता हूँ 30 मिनट्स फॉर ग्रामर सेक्शन। 30 मिनट्स आपने दे दिया, अपर लिमिट मैंने पकड़ लिया 30 मिनट्स, ठीक, ये आपने दे दिया। अब यू आर लेफ्ट विथ 30 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स, 90 मिनट्स आपके पास बचे हुए हैं। अब क्या करोगे आप, अब देखो आप वोकैब वाले सेक्शन में जाओगे, ये सेक्शन तो हो गया। अब देखो 50 क्वेश्चंस में से यू हैव टू अटेम्प्ट 45 प्लस करेक्ट क्वेश्चंस, ऑन एन एवरेज 45 प्लस आप करेक्ट रखना ग्रामर सेक्शन में। फिर आप देखो वोकैब सेक्शन आती है, वोकैब सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वोकैब सेक्शन से पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा वोकैब में क्या पूछा जाता है, वोकैब में ये पूछा जाता है सिनोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स, ठीक है, फिर आते हैं आपके एंटोनिम्स, एंटोनिम्स आते हैं, और क्या आता है आपका ईडियम्स एंड फ्रेसेस, ईडियम्स आता है, ठीक, हो गया ये तीन चीज। अब देखो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, जैसे प्रीवियस वाले में मैंने आपको बताया सीक्वेंस, आप ऐसे अटेम्प्ट करो, पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच करो और स्पॉटिंग दियर और साथ में कर लो, 10 मिनट लगेगा, फिर आप ये कर लो फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, आप सेंटेंस कंप्लीशन करो, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स जो बचा है यही सीक्वेंस करो, जैसे 1 2 3 4 5 मैंने लिख रखा है। अब देखो वोकैब का ये सीक्वेंस नहीं है, वोकैब का क्या सीक्वेंस है, वोकैब का ये है, पहले आप सिनोनिम कर लो नंबर 1, ईडियम्स कर लो नंबर 2, फिर एंटोनिम्स कर लो नंबर 3। ऐसा क्यों करना है, बिकॉज अगर आप सिनोनिम्स के बाद डायरेक्टली एंटोनिम्स में जंप करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैंने सिनोनिम्स में ही किया था, आप सिनोनिम्स ही मार्क करके आ जाओगे, ठीक है। तो वो उससे निकलने के लिए यू जस्ट अटेम्प्ट ईडियम्स देन यू अटेम्प्ट एंटोनिम, तो ये सीक्वेंस फॉलो करो 1 2 3, ठीक, ये समझ गए आप। अब इसमें से 30 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें से आपको 20 प्लस करेक्ट करना है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम आप कर लोगे। अब देखो फंसते कहाँ पे हैं, ईडियम्स में फंसते हैं, ईडियम्स थोड़े डिफिकल्ट पूछे जाते हैं यूपीएससी में, यूपीएससी सीडीएस में आप देखोगे, बट यू कैन डू इट, अगर आप ट्राई करो तो आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो। ऐसा नहीं है कि मतलब वोकैबुलरी डेली पढ़ने से इम्प्रूव होगा, नथिंग लाइक दैट, जस्ट फोकस ऑन ग्रामर सेक्शन, वहां से 50 है, यहाँ से 30 क्वेश्चन है, तो यहाँ से 20 सही करो, वहां से तुम 45 भी सही करोगे तो 65 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, ठीक है ना। अब देखो तुम्हारी रीडिंग वाली बची हुई है, ठीक है, तो हमने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए, 80 क्वेश्चंस कवर कर लिए, अब बचे हैं 40 क्वेश्चंस। अच्छा रीडिंग में से 40 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, कैसे होते हैं देखते हैं, रीडिंग में क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले ग्रामर आपको करना है, फिर आपको वोकैब करना है, फिर आपको रीडिंग करना है। रीडिंग में आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो रीडिंग में क्या क्या आता है वो मैं लिख देता हूँ। RC1 आता है, ठीक है, आपका RC2 होता है, ठीक, फिर ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स होता है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस होता है, ठीक है, 1 2 3 4
और आपका होता है क्लोज टेस्ट, ठीक है। अब आपको करना ये है कि ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, या तो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स ले लो या क्लोज टेस्ट ले लो, दोनों में से कोई भी, या तो फर्स्ट करो या सेकंड करो। अगर ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स कर रहे हो तो क्लोज टेस्ट सेकंड में, अगर क्लोज टेस्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स सेकंड में। तो ये तो हो गया वन और टू। अब देखो थर्ड में आपको क्या करना है, ये करने में आपको लगेगा लगभग 15 मिनट्स। तो प्रीवियसली हमने कितना मिनट स्पेंड किया है, देखो ये वोकैब करने में आपको कितना मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वोकैब करने में मैक्स टू मैक्स आपको 20 मिनट्स लगेगा, और ग्रामर का मैंने बता दिया 30 मिनट्स। तो 50 मिनट हो गए, अभी आपके पास कितने मिनट बचे हुए हैं, अभी आपके पास बचे हुए हैं 70 मिनट। ये 15 मिनट हो गया, मतलब 55 मिनट बचे हुए हैं, 55 मिनट्स, यू आर लेफ्ट विथ 55 मिनट्स, ठीक है। तो 55 मिनट्स में आप क्या करोगे, 55 मिनट्स में बहुत टाइम है मतलब, तो आप RC1 करो, RC2 करो, और ये कर लो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। ये तीन चीज़ें, RC1, RC2 एंड ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, इसके लिए आपके पास 55 मिनट्स है। देखो टाइम तो यहीं पे लगता है ना रीडिंग वाले में, तो 55 मिनट्स काफ़ी है, आप आराम से कर जाओगे RC1, RC2 और ऑर्डरिंग ऑफ स्पीच, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और देखो मैंने आपको बता दिया टाइम मैनेजमेंट, ये 15 मिनट्स हो गया और ये 55 मिनट्स, और यहाँ पे आपने देख लिया जैसे 20 मिनट्स, और यहाँ पे देख लिया आपने इतना टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आपको 45 करेक्ट करना है, 20 करेक्ट करना है, और यहाँ से आप मैक्सिमम करेक्ट करने की सोचना, 40 क्वेश्चंस होंगे। अच्छा ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस में से आप समझ लेना कि कितना कितना करेक्ट करना है। देखो कितने क्वेश्चंस होंगे मैं आपको बताता हूँ, RC के होंगे आपके 5 क्वेश्चंस, और इसके RC2 के 5 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस हो गए, और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड के आपके 10 क्वेश्चन, 20 हो गए, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के 10 क्वेश्चंस, तो 30 क्वेश्चंस हो गए। अब देखो यहाँ के क्लोज टेस्ट के 10 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो यहाँ से भी आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का सोचना, ठीक। अब देखो OMR का इम्पोर्टेंस क्या है, OMRs आप फिल करते रहना। जैसे कि मान लो आपने ग्रामर सेक्शन में 10 क्वेश्चंस बना लिए, आप OMR को फटाफट फिल कर लो, आप वेट मत करो, डोंट वेट, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप फिल ही नहीं कर पाए, तो फिल करते करते चलना है OMR को, ऐसा नहीं करना है कि OMR भरा ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी आता है आप OMR फिल करते चलो। मान लो 10 क्वेश्चन कर लिए तब OMR भरो, फिर 15 कर लिए भरो, 20 कर लिए भरो, ऐसे करके आप OMR उसको भरते चलो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर टुमोरोज एग्जामिनेशन, एंड सब लोग क्लियर करके आओगे, बस मन में विश्वास रखना और खुले दिमाग से एग्जाम देना। ऐसा मत करना कि दिमाग कहीं और रख के चले गए और एग्जाम तुम दे रहे हो, ठीक है। ऑल दी बेस्ट फॉर टुमारो, एंड अच्छे से एग्जाम देना, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ लेना, संग संग रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, एंड डू लाइक दिस वीडियो, एंड थोड़ा प्यार दिखाइए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, एंड लाइक वगैरह जो जो होता है सब कर दीजिए, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई एम वाइंडिंग अप दिस क्लास, ठीक है, वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।